बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सर्दियां आ चुकी हैं, बहुत से लोगों को शिकायत है ज़ुकाम की, गला ख़राब की, चेस्ट इन्फेक्शन की, खांसी की। तो सभी चीज़ों का एक इलाज, परफेक्ट इलाज होगा, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्यारे से पैन में एक गिलास हमने लिया है पानी का लो फ्लेम पे, और सबसे पहले जो चीज़ इसमें जाएगी वो है लहसुन। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, मतलब कि वायरल इन्फेक्शन से, जरासीमों से आपको बचाता है, अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग करता है। अगली चीज़ अदरक जाएगी। अदरक क्या है, ये आपके सांस के निज़ाम को अच्छा करता है, आपको चेस्ट इन्फेक्शन से बचाता है, खांसी से बचाता है। अगर आप ये यूज़ करना, यकीन करें आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इनके बाद जो अगली चीज़ इसमें जाएगी ये है हल्दी, 1/4 टीस्पून। हल्दी क्या करती है, सर्दियों में बहुत से लोगों को, बुज़ुर्गों को खासकर, जोड़ों के दर्द की, पट्ठों के दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हल्दी जो है बहुत ही शानदार काम करती है। तो इसको आप सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल में रखा करें। मैं अपनी रेसिपीज़ में भी इस चीज़ का बताता हूँ। तो इसके अलावा लहसुन जो है, लहसुन बहुत ही शानदार आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, कुव्वते मुदाफ़त होता है, उसको बढ़ाता है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को भी लो करता है, जो कि बहुत से लोगों को हाई होने की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे बहुत परफेक्ट चीज़ें जा चुकी हैं। अब अगली चीज़ जो इसमें मैं ऐड करूँगा वो आगे जाके आएंगी। साथ ही साथ इसमें मैं आपको बता दूँ कि आपने ये लो फ्लेम के ऊपर ही पकाना है, ठीक है। तो ये है अगली चीज़ हमारे पास, 2 टी बैग लिए हैं मैंने ग्रीन टी के, आप खुले वाली भी यूज़ कर सकते हैं। इनको भी पकाएंगे इनके अंदर, और उसके बाद जब सब चीज़ें ऐड हो जाएंगी तो हम इसका फ्लेम हाई कर देंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर, ठीक है। तो सभी चीज़ों को 3 मिनट पकाने के बाद कुछ चीज़ें आगे जाके ऐड होंगी। तो अब हम इसको छान लेंगे एक खूबसूरत से कप में, और इसमें ऐड कर देंगे लेमन और हनी, 2 चीज़ें, मतलब शहद और लेमन। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो जिसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यार प्यार दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट भी कीजिएगा। इस ड्रिंक को आप कभी भी दिन में पी सकते हैं, दोपहर को, शाम को या रात को, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और किसी भी एज का, 10 साल से लेके 60 साल का जो है बंदा, वो इसको ईजिली पी सकता है। अल्लाह हाफिज़।